सो गाइज, मैं हूँ साजिदा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी होममेड सैनिटाइजर बनाना। बहुत ही 10 से 5 रुपए की खर्च में आपके घर में अच्छे से अच्छा क्वालिटी का होममेड नेचुरल सैनिटाइजर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आसान है, तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, ज़रा भी आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा यार, लाइक करना तो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस सैनिटाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक छोटा सा क्लीन कप। आप कोई भी छोटा सी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हो। और हमें लेना है यहाँ पे एलोवेरा। आप देख सकते हो मैंने ये मिक्स एलोवेरा लिया है और एक प्लेन है। आप इनमें से जो भी इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं, मगर यहाँ पर मैं प्लेन एलोवेरा का इस्तेमाल करूँगी। ये बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, 100% नेचुरल है। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही कमाल की है, इसके लिए मैं यही ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं एक चम्मच ले रही हूँ एलोवेरा। तो ये देखिए कितना ये स्मूथ पेस्ट है। आप चाहे तो फ्रेश एलोवेरा का जेल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एलोवेरा को ऐड कर लिया है। दूसरा हमें लेना है डेटॉल। डेटॉल की खुशबू आप सबको पता है, हम सबको पता है कितनी कमाल की होती है। गाइस, डेटॉल का इस्तेमाल ज़रूर करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। और यहाँ पे मैं 2 चम्मच डेटॉल ले लूँगी। और यहाँ पे हमें पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है इस सैनिटाइज़र में। और दूसरा हमें लेना है अल्कोहल। जी हाँ दोस्तों, अल्कोहल किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा इजीली। और हमें इसको लेना है 1 चम्मच। यहाँ पे मैं 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सी और, यानी कि हमें 2 चम्मच ले लेना है, क्योंकि हमने डेटॉल 2 चम्मच लिया था ना। तो इसके लिए हमें अल्कोहल भी हमें 2 चम्मच लेना है। अब अच्छे से मिक्स करना है। और देखिए बहुत ही ज़्यादा स्मूथ पेस्ट बन जाएगा, यानी कि हमारा सैनिटाइज़र रेडी हो जाएगा। अभी ये रेडी नहीं हुआ है, इसमें एक चीज़ और ऐड करना है। पहले ये थोड़ा अच्छे से मिक्स हो जाए गाइस, उसके बाद हमें ऐड करना है। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो रहा है गाइस। अब इसमें हमें ऐड करना है, हाथों को मॉइस्चर देने के लिए हमें ऐड करना है कोकोनट। जी हाँ दोस्तों, हमें कोकोनट ऑयल का ही इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो अपने कोई भी पसंद का मॉइस्चराइजेशन ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोकोनट बेस्ट है गाइस। थोड़ा सा हमें लेना है 1/2 चम्मच के करीब, और अच्छे से मिक्स करना है। अब ये अच्छे से रेडी हो गया है गाइस। आप इसे किसी भी बॉटल में या जो भी आप जिसमें भी ऐड करना चाहते हो उसको स्टोर करके रख लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास छोटी सी बॉटल है जो कि ट्रैवल फ्रेंडली है, इसमें मैं इसको ऐड करूँगी। तो चलिए मैं इसको इसमें ऐड कर लेती हूँ फटाफट से। देखिए मिक्स हो गया है, और क्योंकि हमने एलोवेरा और डेटॉल का इस्तेमाल किया है तो बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन गया है गाइस। तो चलिए मैं इसमें धीरे धीरे से इसको ऐड कर लेती हूँ। पहले मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये देखिए ये किस तरह से काम करेगा। ये अच्छे से इसको हाथों में मिक्स कर लीजिए अपने, अच्छे से जिस तरह से आप मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाते हैं। हवा के संपर्क में आते ही दोस्तों ये रिमूव हो जाएगा कॉन्टैक्ट में। तो ये देख सकते हो क्योंकि हमने इसमें कोकोनट का इस्तेमाल किया है, अब बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज सॉफ्ट हो जाएगा। और अच्छी सी एलोवेरा की और डेटॉल की खुशबू भी आ रही है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है गाइस। तो इसको इस तरह से बना लीजिए, और छोटी सी ट्रैवल में आप यूज़ कर सकते हो, इस तरह से बॉटल में पोर कर लीजिए। तो चलिए मैं फटाफट से इसमें डाल देती हूँ, बहुत ही इजी है। आपके पास कोई भी स्प्रे बॉटल होगी आप उसमें भी कर सकते हो, लेकिन मेरे पास ये वाली अवेलेबल थी और इतनी क्वांटिटी में ही मैंने बनाया है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया था। वो है अभी, इसके लिए मैंने आपके लिए बताने के लिए बनाया है गाइस। तो मैं चलिए इसमें पोर कर लेती हूँ फटाफट से। गाइस ये बिल्कुल रेडी हो गया है, मैं फिर से इसको यूज़ कर लेती हूँ। इसकी खुशबू इतनी कमाल की आ रही गाइस, मुझे बार बार इस्तेमाल करने में मज़ा आ रहा है। आप भी इसके यूज़ करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि इसकी खुशबू कितनी कमाल की है। और घर में झटपट से बना लीजिए,
और ट्रैवल में भी आप यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को भी लगाइए, हमेशा यूज़ तो किया गाइस कीजिए देखा दोस्तों। आपने कितना सिंपल सा आसान से तरीके से बनकर तैयार हो गया है हमारा होममेड नेचुरल सैनिटाइजर। गाइस आपको बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है, ये रहा हमारा होममेड सैनिटाइजर जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है और इसको इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों मैंने काफ़ी इसको इस्तेमाल किया, 2-3 बार और इस्तेमाल किया, अभी फिर से कर लेती हूँ आप लोग के सामने, क्योंकि मुझे इसकी खुशबू जो है इतनी अच्छी लग रही है, कमाल की खुशबू है। गाइस आप भी इसको बार बार इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाओगे, इतनी मज़े की खुशबू है। तो गाइस एंड आई एम श्योर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी, तो मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, लाइक और शेयर तो ज़रूर करो। फिर से मिलूंगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह।